हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है एयर। तो हम इस चैप्टर को अब थ्रू नोट्स पढ़ेंगे। एक समरी नोट्स मैंने बनाए हैं। इससे पहले हम बाय बुक भी पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऑलरेडी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन से कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। सो अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी अर्थ है इसके आसपास एक आप कह सकते हैं ब्लैंकेट फॉर्म है एयर की। हर जगह जो है एयर है, तो उस पूरे ब्लैंकेट फॉर्म को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हमने थ्रू बुक पढ़ा था तो हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर ली थी इसकी। तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो स्टोरी होती है कि आप इमेजिन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, वो सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। सो एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया। जो एक ह्यूज ब्लैंकेट होता है एयर का अर्थ के सराउंडिंग में, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। किसका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे? एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, बहुत सारी इस तरह से गैसेज होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि एयर में कौन सी गैस कितनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ये डिटरमाइन करती है कि कितना परसेंट वो चीज़ एयर में है। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्कल में यहाँ लिखा है नाइट्रोजन 78%। मतलब जो हमारे आसपास हवा है उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो है 78%, जो कि सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो आती है ये वाला पार्ट, देखिए ऑक्सीजन, जो कि है 21%। तो देखिए जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो एयर में सिर्फ 21% है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू स्केच से लाइन मारी है। तो जितना सा ये लाइन है, जितनी थिकनेस या विड्थ आप कह सकते हैं इस लाइन की है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कितनी हो गई? 0.03%। आर्गन की बात करें तो आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, जो कि है 0.93%। ये जो येलो शेडेड एरिया है ये, और जो ये वाला रेड सा एरिया है, ग्रे ब्राउन सा, ये है ऑल अदर गैसेस, जो कि आती हैं 0.04%। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मैक्सिमम गैस हमारे एनवायरनमेंट या हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी प्रेजेंट है, तो वो है नाइट्रोजन। राइट, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या है? सो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल बट कांट टेक डायरेक्टली फ्रॉम एयर, हेंस बैक्टीरिया। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ है। देखिए, पहली चीज़ तो नाइट्रोजन हमारे एयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, 78%। दूसरा कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, बट अब क्योंकि प्लांट्स सांस तो लेते नहीं है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो ऐसे तो है नहीं वो सांस लेंगे और नाइट्रोजन ले लेंगे। राइट, उनका तो कुछ प्रोसेस ही अलग होता है, हमने पढ़ा भी है किस तरह से वो जो है एयर को ऑब्जर्व करते हैं। सो क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज क्या करते हैं? उस नाइट्रोजन को उस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जो यूजेबल होती है प्लांट्स के लिए, और फिर वो नाइट्रोजन पहुंचाते हैं प्लांट्स तक। ये हम हाई क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है बट वो डायरेक्टली ले ही नहीं सकते एयर से, इसलिए वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं उस यूजेबल चीज़ में जिसे प्लांट ले सकें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ऑक्सीजन कौन सी गैस है जो हम इनहेल करते हैं? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो ग्रीन प्लांट्स हैं हम कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन, आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं CO2। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है सो दैट मैं कम से कम एरिया कवर कर सकूँ और रिविजन में भी हेल्प हो। CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, हेंस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। सी, हमारे आसपास कारें चलती हैं, उनसे धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे धुआं निकलता है। तो हम कुछ जला देते हैं, गाँव में लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं झाड़ियों में, उससे धुआं निकलता है, वो सारा धुआं एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के जो गैसेस हैं उनका अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये गैस, ये उस सारी हीट को जो गर्मी निकलती है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको ट्रैप कर देती है, जो अर्थ से निकल रही है सारी उस चीज़ को ट्रैप कर लिया और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसे इसलिए हम कहते हैं इसे ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है, और वही फैक्ट्री के धुएं की वजह से, कार के धुएं की वजह से, तो जो हीट है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है और इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वो हो गया ग्लोबल वार्मिंग, जब उसको ट्रैप कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने तो वो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इतनी सी बात है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है अगर आप ध्यान से देखें। सो हमने क्या पढ़ा, व्हेन लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, हेंस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हीट क्रिएट हो जाएगी टेम्परेचर में, गर्म हो जाएगा टेम्परेचर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तभी तो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, इसे रिमूव किया जाए। कैसे, क्वेश्चन ये आता है कैसे, तो चलिए हम उसे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तभी इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इससे क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया तो जो स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मेल्ट हो जाएगी तो आपने देखा होगा जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं वहाँ पे नीचे खाई भी होती है, जब स्नो मेल्ट होगी तो जो वो खाई है वहाँ पे नदी बन जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो पानी जो है सी लेवल तक पहुँचेगा, जिससे सी लेवल का जो सी का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा, ठीक है, विच कॉजिंग फ्लड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। तो जो ये कोस्टल एरियाज है यहाँ पे फ्लड आने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, और इससे क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, को कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो कोस्टल एरियाज पे ही होते हैं, उनकी हमेशा के लिए एक्सटेंशन हो जाती है, राइट। सो काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ आया हो, अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर, या सिंपल भाषा में कहें तो हम पढ़ेंगे लेयर्स, एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर कहाँ आती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर कौन सी है, अर्थ के सबसे नज़दीक है, इसकी हाइट वेथ वो सब मैंने नहीं लिखा है बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। सो ट्रोपोस्फेयर में होता क्या क्या, हर लेयर में क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वेदर फिनोमिनाज होते हैं, जैसे रेनफॉल है, फॉग है, हिल स्टॉर्म है। बारिश कहाँ होगी, इस लेयर के थ्रू होगी। अर्थ पे हिल्स कैसे गिरेंगे, ओले ये सब कैसे गिरेंगे, ट्रोपोस्फेयर की वजह से गिरेंगे। तो जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं, बादल वगैरह हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, सबसे नज़दीक है ये लेयर, ठीक है। और सेकंड आती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में एक तो आपने याद रखना, एरोप्लेन्स जो हैं वो हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। दूसरा जो ओजोन लेयर है हमारी, यहाँ मैंने लिखा नहीं, शायद आपके बुक में नहीं दिया होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओजोन लेयर है हमारी वो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है, राइट। नेक्स्ट आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर आप एम से याद रखिए, मेटेराइट्स हैं, यहाँ पे आके जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है, जब हम किसी को कॉल करते हैं या कुछ सैटेलाइट का कुछ अगर संचार कर रहे हैं, थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो थर्मोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर हैज़ वेरी थिन एयर, मतलब इसकी विड्थ बहुत कम है, ठीक है। तो बुक में तो आपको कहानियाँ दी हुई है कि सबसे कि अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, इसकी विड्थ इतनी है, तो वो आपको बुक से खुद पढ़ना है। जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सबसे पास, इसलिए बादल वगैरह यहाँ पे होते हैं, वेदर फिनोमिनाज यहाँ होते हैं। थोड़े से ऊपर क्या चलते हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। मेसोस्फेयर का आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एम मेटेराइट्स। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर मतलब थर्मल, थर्मल मतलब कुछ साइंस का लग रहा है, तो उसमें मतलब रेडियो ट्रांसमिशन होगा। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब आउटसाइड, सबसे ऊपर है ये, और इसमें जो है एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक बॉक्स सा बनाया है, इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएंगी, प्लस जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें भी काम आएंगी, क्योंकि हम डायरेक्टली पढ़ते हैं चीज़ों को स्टैंडर्ड बुक्स में, और ये वाला कंसेप्ट हमें पता ही नहीं होता है। सो जो हवा होती है, देखिए आप इसे नॉर्मल समझिए, आप इमेजिन कीजिए, जो हवा होती है आपके पास, जब वो गर्म होती है तो वो फैलती है, जिसकी वजह से वो लाइट हो जाती है, और हवा ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है, ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर जो होती है वो भारी होती है, वो हमेशा दबी रहती है, और वो हमेशा नीचे की तरफ रहती है। तो क्या होता है, जब हमारी गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो आसपास की जितनी भी ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे वो नीचे वाला गैप फिल हो जाता है, और इसी को बोलते हैं एयर सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसे आप एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इवन ये चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट इसमें दिए हैं जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेदर। वेदर एंड क्लाइमेट, ये दोनों चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, हमें पता नहीं चलता हम वेदर को क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट को वेदर बोलते हैं, अनटिल और अनलेस आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना हो। तो वेदर क्या होता है, आर टू आर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक घंटे से दूसरे घंटे में कितनी चेंजिंग आई, या एक दिन से दूसरे दिन में कितनी चेंजिंग आई, आज बहुत गर्मी है, कल थोड़ी कम गर्मी थी और कल गर्मी ज़्यादा होगी, तो अब चल कह रही है, चल तो गर्मी ही है बट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो थोड़ा बहुत चेंज होता है एटमॉस्फेयर की कंडीशन में, उसे हम कहते हैं वेदर।
राइट अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत टाइम के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशंस रहती हैं किसी भी कंट्री में या किसी जगह में उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. इंडिया की बात करें इंडिया में गर्मियां भी आती हैं बरसात भी आती हैं सर्दियां भी आती हैं पतझड़ भी आता है सब आता है तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट. जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट. मे बी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ें नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ें या फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें इस चीज़ को बट ये आपको आएगा ज्योग्राफी में. तो वेदर क्लाइमेट हो गया आपको क्लियर वेदर हो गया जो थोड़ी थोड़ी देर में चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट हो गया जो एवरेज कंडीशन होती हैं एटमोसफेयर के. टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर हवा कितनी गर्म है या हवा कितनी ठंडी है वो बताती है टेम्परेचर. कैसे जब आपके आसपास देखिए जब गर्मियों का मौसम होता है तो हवा कितनी गर्म होती है हमें कितनी गर्मी लगती है हम कमरे की तरफ भागते हैं फैन चाहिए एसी चाहिए. जब सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम क्या होता है हवा कितनी मतलब ठंडी सी होती है ना तो हमें धूप चाहिए होती है उस टाइम पे राइट. तो ये हो गया हमारे पास कि टेम्परेचर क्या होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर. फिर हम एक वर्ड पढ़ते हैं इंसोलेशन तो हम इसकी जो डेफिनेशन है या डेफिनेशन भी नहीं इसकी हम इस चीज़ को याद करने लग जाते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन नहीं जो इंसोलेशन है इसमें इन का मतलब है इनकमिंग सोला का मतलब है सोलर और एशन का मतलब है रेडिएशन. इस तरह से आपने भी इस वर्ड को थोड़ा तोड़ के इसके जो ये फॉर्म फुल फॉर्म सी है वो याद करनी है या समझनी है बिकॉज ऐसे याद करेंगे तो आप भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास तक. सो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन अब इंसुलेशन क्या है इनकमिंग सोलर रेडिएशन सिंपल भाषा में कहें सूर्य की किरणें कितनी अर्थ पर पड़ रही हैं वो है इंसुलेशन. तो इंसुलेशन जो है इक्वेटर तक तो ठीक है इक्वेटर से जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वो कम कम होना स्टार्ट हो जाती है. आई होप आपको मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट पता है ये हमारी अर्थ है ये इक्वेटर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पोल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पोल. तो यहाँ पे इंसुलेशन मैक्सिमम होती है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं तो कम हो जाती है यहाँ से नीचे की तरफ जाएं तो भी कम हो जाती है राइट. तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या होता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस. सी मैं आपको समझाती हूँ आप जहाँ पे खड़े हैं आपकी बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर लगा रही है लेकिन जो आपकी बॉडी है वो काउंटर एयर प्रेशर लगा रही है वो वापस एयर प्रेशर लगा रही है इससे आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा आप नॉर्मल हो ठीक है. तो क्या होता है अर्थ के सरफेस पे जो एयर है वो कुछ प्रेशर डालती है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर. अब देखिए बात करें हमारे ऊपर कितनी सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर थर्म ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर हमने आज ही 5 लेयर्स पढ़ी. तो अर्थ के ऊपर इन सब का भार है तो मतलब एयर प्रेशर अर्थ पे मैक्सिमम है. अब सबसे ऊपर कौन सी लेयर है एक्सोस्फेयर हमने पढ़ी तो उसके ऊपर क्या कोई लेयर है हल्की फुल्की जो अलग अलग गैसेज हैं वो हैं ठीक है. तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम है और अर्थ पे एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है कंपैरिजन में. हाईएस्ट होता है सी लेवल पे और ये डिक्रीज करता है विद हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी डिक्रीज होगा जैसे मैंने आपको बताया एक्सोस्फेयर पे बिल्कुल कम है अर्थ पे बिल्कुल ज़्यादा है राइट. फिर हम पढ़ेंगे बैरोमीटर. ये तीन चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को मेजर करने में हेल्प करती है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है. बैरोमीटर क्या होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. रेन गॉज क्या होता है जो रेनफॉल को मेजर करता है. विंड वेन क्या होती है जो विंड की डायरेक्शन को मेजर करती है. तो इस तरह से इन तीन चीज़ों को आप ज़रूर याद करें ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. देखिए लो प्रेशर क्या डिटरमाइन करता है क्लाउडी स्काइज मतलब बादल होंगे आसमान में और वेट वेदर होगा थोड़ा गीला सा ऐसा नमी सा मौसम होगा. हाई प्रेशर क्या डिटरमाइन करता है क्लियर एंड सनी स्काइज ठीक है क्लियर एंड सनी स्काइज. नेक्स्ट आता है विंड तो आपको ये चीज़ याद करनी है ये चीज़ भी आगे चल के चलती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है लो प्रेशर मतलब क्लाउडी स्काइज हाई प्रेशर मतलब सनी स्काइज ठीक है. अब हम पढ़ेंगे विंड और ह्यूमिडिटी के बारे में. हवाएं क्या होती हैं जो एयर की मूवमेंट होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ उसे कहते हैं विंड. हमेशा याद रखना हवा जो है वो हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ चलती है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेगी और ये भी आपको आगे जाके क्लासेस में काम आएगा बहुत ज़्यादा. एयर जो है वो हमेशा ही हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है. ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी क्या होती है हम नॉर्मल कहें ह्यूमिडिटी क्या होती है कुछ नमी सी कुछ चिपचिपा सा मौसम. साइंस की फॉर्म में बात करें या सोशल साइंस जो भी है मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. मॉइस्चर कितना है हवा में वो डिटरमाइन करता है ह्यूमिडिटी राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर हमारा चैप्टर हो गया है खत्म एंड आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया हो मैंने अपनी तरफ से अच्छे समझाने की कोशिश की है. अगर कोई भी फीडबैक आप फीडबैक प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में
ज़रूर प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगर आप क्लास सेवन्थ में हैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ। और इसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये उस चीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ही अब हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हम विराम लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड सी यू सून। बाय बाय।